आज हम Adobe Premiere Pro में सीखेंगे लाइटिंग इफेक्ट्स की पहली लाइट यानी स्पॉट लाइट। इसी इफेक्ट की लाइट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। Let's dive in। सबसे पहले हम अपने क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमने लाइटिंग इफेक्ट्स लगाना है, और फिर इफेक्ट्स पैनल में हम लाइटिंग इफेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लाइटिंग इफेक्ट पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा इफेक्ट इस क्लिप पर अप्लाई हो जाएगा और उसके सारे कंट्रोल पैनल में सारे हमें उसके ऑप्शंस और कंट्रोल नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इस लाइटिंग पे अगर आप क्लिक करके रखें तो ये आपके सामने ये कंट्रोल्स आ जाते हैं। इस दायरे के जरिए से, इस ऑर्ब के जरिए से आप इसको मुकम्मल तौर पर कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको जिधर भी चाहें आप इस लाइट को हिला सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपके सामने पांच लाइट्स हैं। पांच लाइट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके नीचे वाले ये सब लाइट के साथ ही इस्तेमाल होने वाले ऑप्शन हैं। हम पहली इस लाइट को खोलते हैं और इसमें लाइट की जो अकसाम हैं, जो किस्में हैं, वो तीन हैं: स्पॉट लाइट, ओमनी लाइट और डायरेक्शनल लाइट। इस वीडियो में हम स्पॉट लाइट को देखेंगे, स्पॉट लाइट के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये स्पॉट लाइट हमारे सामने है और सबसे पहला ऑप्शन है सेंटर। इस सेंटर को पोजीशन समझ सकते हैं और लाइट कलर में आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मसलन हम इसमें रेड कलर भर देते हैं। मेजर रेडियस में एक्स और वाई की तरह पोजीशन तब्दील होती है, ये देख सकते हैं आप। और जो माइनर रेडियस है, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ पोजीशन चेंज होती है थ्रू आउट, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको आप इसके साइज को कितना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है ये एंगल। इस एंगल से आप इस लाइट के एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब जैसे मैं एंगल को हिला रहा हूँ, ये आपके सामने ये एंगल इसका तब्दील होता जा रहा है। उसके बाद आ जाता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से लाइट की शिद्दत बढ़ती है, इसकी ताकत बढ़ती है या कम होती है या ख़त्म हो जाती है ये ब्लैक की तरफ जाके। उसके बाद है फोकस। फोकस ये है कि आप लाइट के जो एजेस हैं उनकी तरफ आप इस लाइट को, जब इसको फोकस को बढ़ाएंगे तो लाइट के एजेस आप शार्प हो जाएंगे, और जब इनको आप फोकस को कम करेंगे तो एजेस की तरफ से लाइट ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, बिल्कुल ही आपको एजेस नज़र नहीं आएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो ये एजेस शार्प होते चले जाएंगे। इस तरह ये है पहली एक लाइट स्पॉट लाइट। इसके ये पहले कंट्रोल्स हैं, और उसके नीचे आए तो ये एम्बिएंट लाइट है जो किसी भी क्लिप के बाकी हिस्सों को कंट्रोल करती है। ये देख सकते हैं ये लाइट आपके इस मेन स्पॉट लाइट या जो भी लाइट इस्तेमाल करें उसके अलावा जो बाकी क्लिप है उसके कलर को और उसकी लाइट को ये एम्बिएंट करता है कंट्रोल, उस मेन लाइट के अलावा जो आपके क्लिप का फ्रेम का बाकी सारा हिस्सा है। और जो उसके नीचे है सरफेस ग्लॉस, ये आपकी इस पूरे क्लिप में स्मूथनेस पैदा करता है। फिर ये है एक्सपोजर, पूरे क्लिप के टेम्परेचर को कम करता है या ज़्यादा करता है। अब नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा बम्प लेयर। यहाँ पे आप किसी भी दूसरी लेयर को ला सकते हैं और उनको आपस में मर्ज कर सकते हैं, और उस लेयर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिस लेयर पे आप लाए होंगे। मसलन ये है, हम एक और क्लिप इस अपने मेन क्लिप के ऊपर रख देते हैं, ये वीडियो टू में। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, चूंकि हमने वीडियो टू में रखी है इसलिए हम यहाँ से बम्प लेयर को वीडियो टू पर कर देंगे, और फिर ऊपर वाले क्लिप की हम ओपेसिटी में जाके इसके ब्लेंडिंग मोड से हम खेल सकते हैं। इससे हर ब्लेंडिंग मोड से अलग रिजल्ट आएगा, मसलन लाइटन ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक बहुत अहम बात ये कि हम कई लाइट्स ले सकते हैं और फिर इन लाइट्स को हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि इसके हम टूगल एनिमेशन के जरिए से की फ्रेम लगा सकते हैं और इसको हम हरकत दे सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। मसलन ये सेंटर है, इस पे हमने पहला की फ्रेम लगाया और फिर आगे जाके इस की फ्रेम को हम चेंज कर सकते हैं। मसलन इसको ये बाहर ले आए पहले और इस की फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ ये आएगा, ये यहाँ पे जाके ये अंदर की तरफ आ जाए, बाहर से अंदर की तरफ। इसी तरह बाकी लाइट्स भी हम ले सकते हैं। ये नंबर लाइट नंबर टू पहले इसके हम इसको भी स्पॉट लाइट भी रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पॉट लाइट ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। ये बम्प लेयर जो होती है, ये उस लेयर का टेक्सचर इसमें आ जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो दूसरी लेयर का टेक्सचर यहाँ पे आ रहा है, और इससे को भी आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर भी सारी उसी तरह की ऑप्शन हैं। उन सबको आप जब चेंज करेंगे तो ये लाइट चेंज होती जाएगी। इसके सेंटर पे भी हम एनिमेशन लगा सकते हैं, ये एनिमेशन भी एक लगा दी है। और इस तरह हम तीसरी लाइट भी ले सकते हैं, चौथी भी ले सकते हैं और पांचवी भी ले सकते हैं, और उन सबको आप
बम्प लेयर्स भी इसमें इनमें किसी भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लगा के दिखाई है उसके टेक्सचर को। और इन पांच लाइटों को आप मुख्तलिफ कलर्स भी दे सकते हैं, और उसके बाद ये सरफेस ग्लॉस और इन सब ऑप्शंस पे आप एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे पेन टूल के ज़रिए से या ये जो मास्क के ज़रिए से मास्किंग भी कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ये थी हमारी स्पॉटलाइट, और अगली वीडियो में हम इसी लाइटिंग इफेक्ट्स की डायरेक्शनल लाइट के ऊपर वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद फिर ओमनी लाइट के ऊपर, और इसी तरह हम तफसील के साथ ये सब के सब 140 इफेक्ट्स इसी सीरीज में सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।